हाय दोस्तों, मैं नासिक सर। जैसा कि आप सबों के लिए मैं सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और एजुकेशन से संबंधित वीडियो लेकर आता हूं। आपको अगर मेरा वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हाय फ्रेंड्स, आज हम 9 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। 9 दिसंबर को क्या क्या हुआ, चलिए शुरू करते हैं। 9 दिसंबर को क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात, हर साल 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है। हर साल 7 दिसंबर को भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। मीराबाई चानू ने 7 दिसंबर 2022 को कोलंबिया में 2022 विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? मीराबाई चानू ने। किसने? मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मशहूर अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू 7 दिसंबर 2022 को मलेशिया की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। कौन गए हैं? वाइस चीफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू, याद रखिएगा, बीएस राजू गए हैं मलेशिया के दौरे पर। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ने नीतिगत रेपो दर में लगातार 5वीं बार 35 आधार अंकों की वृद्धि करके 6.25 कर दिया है। इसने क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर में लगातार 5वीं बार 35 आधार अंकों की वृद्धि करके 6.25 कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। सरकारी टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने दिसंबर 2022 में 8 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार किया। सरकारी मेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने दिसंबर 2022 में 8 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 दिसंबर 2022 को चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें क्या? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। BPCL के पूर्व अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने? BPCL के पूर्व अध्यक्ष वरुण कुमार सिंह को तेल और प्राकृतिक गैस के निगम ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। BCCI ने क्रिकेटर ऋषिकेश कनिटकर को 6 दिसंबर 2022 को भारत की महिला टीम का नया बल्लेबाज कोच नियुक्त किया। महिला टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया? ऋषिकेश कनिटकर, या याद रखिएगा, ऋषिकेश कनिटकर। महाराष्ट्र सरकार ने 9,764 नौकरियों सृजित करने का वादा करते हुए 9,764 नौकरियां सृजित करने का वादा करते हुए 2,667 करोड़ रुपये में कुल 59 निवेश प्रस्ताव की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने 9,764 नौकरियां सृजित करने का वादा करते हुए 2,627.88 करोड़ रुपये के कुल 59 निवेश प्रस्तावों की मंजूरी दी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में अपने न्यूनतम परमाणु स्टील बॉमर न्यूक्लियर बम वार्षक B-21 रेडर विमान का अनावरण किया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हाल ही में अपने न्यूनतम परमाणु स्टीलथ बॉमर न्यूक्लियर बम वार्षक B-21 विमान का अनावरण किया। विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में 15 से 27 फरवरी 2023 तक फिजी सरकार के सहयोग से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य समूह WGC का 18वीं बैठक 5 से 6 दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया। 5 से 6 दिसंबर 2022 में आयोजित किया गया। RBI गवर्नर ने हाल ही में तीनों
आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में तीनों दिनों तक चली एमपीसी की बैठक के बाद मौद्रिक नीति 2022 में रेपो रेट 0.35% बढ़ाकर 6.25 कर दिया गया 0.35% बढ़ाकर 6.25 कर दिया गया, मतलब पहले 5 से थोड़ा सा ऊपर था, 6 से नीचे था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने 6 दिसंबर 2022 को रोम इटली में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। मैसूर स्थित वैज्ञानिक एस रंगप्पा को यूनेस्को का एक कार्यक्रम द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज का फेलोशिप से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन की भूमिका और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर 2022 को वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड और द नेशन स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। 6 दिसंबर 2022 को वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और द नेशन स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। 6 दिसंबर 2022 को वॉलमार्ट ग्लोबल सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड द नेशन स्मॉल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच एक हस्ताक्षर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, ये डबल आ गया है, चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद चलते हैं। जाने माने अर्थशास्त्री और पूर्वी मंत्री और अहमदाबाद स्थित सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल रिसर्च स्पाइसर के एक प्रोमेटिक प्रोफेसर योगेंद्र के अलग का 6 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च बेंगलुरु निदेशक डॉक्टर एस मंजुनाथन लेखक और कृष्णप्पा जी की सदाक्षरी में हम्पी कन्नर विश्वविद्यालय के नादेजी पुरस्कार के लिए चुना गया। ठीक है, एक बार फिर से, श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर साइंसेज एंड रिसर्च बेंगलुरु निदेशक डॉक्टर सी एन मंजुनाथ और लेखक कृष्णपन्ना जी और सादाक्षरी को हम्पी कन्नर विश्वविद्यालय के नादोजा पुरस्कार के लिए चुना गया। श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कोरवायलोस्कर साइंसेज एंड रिसर्च बेंगलुरु निदेशक डॉक्टर एस मंजुनाथन को लेखक कृष्णपन्ना जी और सादाक्षरी के हम्पी कन्नर विश्वविद्यालय के नादोजा पुरस्कार के लिए चुना गया। चलिए आज का वीडियो इतना ही, उसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमें, ताकि आपके शेयर से लाइक से कमेंट से हौसला मिलेगा हम आगे वीडियो बनाएंगे। आप सबों के लिए मैं सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और एजुकेशन से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।